किसान आंदोलन का आज पांचवा दिन है और चौडूनी की सेना एक बार फिर से ट्रैक्टरों के साथ या यूं कहें कि अपने टैंकों के साथ सड़कों पर मार्च कर रही है। हमारे साथ किसान नेता मनदीप रोड छप्पर हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद है और सरकार को क्या जताना चाह रहे हैं। देखिए, मकसद इसका कुछ नहीं है, मकसद हमारा है MSP गारंटी कानून। जब 2014 में BJP सरकार बनी थी, उन्होंने वादा किया था, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, हम वही मांग रहे हैं, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं मांगा। हम वही मांग रहे हैं BMSP गारंटी कानून आप बना दे, पर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने जो वादा कराया था वो बिल्कुल साफ हो चुका है। इस BJP सरकार की मंशा नहीं है MSP गारंटी कानून बनाने की। तो जो पंजाब के किसान हरियाणा के अंदर एंट्री थी, क्योंकि हरियाणा में भी आंदोलन की शुरुआत है, तो वो केंद्र सरकार और BJP सरकार ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे हमारे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान फटड़ हो चुके हैं। आंसू गैस के गोले, बिल्कुल सीधी गोलियां उनको मारी जा रही है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, ये ना सोचना भी हरियाणा के किसान जो पंजाब के किसानों के साथ नहीं है, हम पूरे पंजाब के किसानों के साथ हैं। अगर BJP सरकार ने फिर से किसानों पर लाठी या गोलियां चलाई तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम सभी साथी, हमारे युवा साथी खासकर, क्योंकि युवा साथी हमेशा जिस आंदोलन में आ जाता है तो आंदोलन की फतेह होती है। जब हमारे साथ बुजुर्गों का साथ है साथियों, हमने घबराने की लोड़ नहीं है। तो जैसे अभी 18 तारीख को अभी कुरुक्षेत्र में बड़ी बैठक होने जा रही है, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है जो पिछले आंदोलन में नहीं लिया गया? देखिए, कल 18 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय नेता गुरुनाम सिंह चुडूनी जी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि किस हरियाणा के संगठन, वे खापे या सरपंच एसोसिएशन या और लंगर हैं, लंगर के हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनकी एक मीटिंग बुला ली। तो कल कुरुक्षेत्र के अंदर एक मीटिंग होगी, उसके बाद एक कड़ा फैसला लेकर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की जड़ें हिला के रख देगी। धरना प्रदर्शन ऑलरेडी चल रहा है, आप ट्रैक्टर मार्च भी कर रहे हैं और वहाँ पे एक तरह से टकराव की स्थिति भी है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पे, अब इससे कड़ा और क्या निर्णय हो सकता है? देखिए, ये BJP सरकार कुछ नहीं देना चाहती, दे रही है गोलियां मार रही है। अगर ये जो बॉर्डर बनाए गए हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर, अगर ये बॉर्डर इतनी सख्ताई अगर चाइना के बॉर्डर पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर होते हैं, तो हमारे हरियाणा के अंदर कभी नशा नहीं आता, कभी स्मैक नहीं आती। आज हरियाणा के युवा साथी स्मैक मिल रही है, उनके स्मैक पी रहे हैं। आज हमारे युवा साथी, हमारे भाई, उनकी मौत हो रही है, डेथ हो रही है। उनसे पूछो, उनके माँ बाप से पूछो जिनका बच्चा चला जाता है, उस हमारी बहन से पूछो जिसका सुहाग उजड़ जाता है, उन हमारे भाइयों से पूछो जिसके घर में कुछ नहीं रहता, ताला लग जाता है। अगर इतनी सख्ताई करनी है बॉर्डर पे करो, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे BJP सरकार ने जो ऐसे गंदे काम कर रही है हरियाणा के किसान जो हैं, पंजाब के किसान हैं। अभी चुनावी साल है, आपको क्या लगता है कि अगर इसका कोई सलूशन नहीं निकला तो क्या चुनावों पे कैसा असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। किसान आंदोलन पूरे राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका है, तो जो 2024 में इलेक्शन है, BJP सरकार को भी पता है, सेंट्रल सरकार को भी पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता है कि हमारी जो कहते हैं भी 400 पार, अब की बार जमुना पार होंगे, 400 पार नहीं होंगे, जमुना पार होगी ये BJP सरकार। यह तो किसानों की बात मानकर MSP गारंटी कानून, हम MSP गारंटी कानून तो मांग रहे हैं जो वादा करे था आपने मोदी साहब, हम इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वादा करें, आपको वादा दिलाना चाहते हैं, हम जो हमारी फसल है, फसल से कोई नीचे ना खरीदे, हम रेट नहीं मांग रहे, हम फसल हमारी जो रेट है MSP गारंटी है वो नीचे ना खरीदे, उसके बाद अगर कोई किसान नीचे बेचे या हम व्यापारी खरीदे उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई, यही सिर्फ हमारी है MSP गारंटी कानून का जी।